गरियाबंद से लगे अभनपुर विकासखंड के ग्राम पौंड के रहने वाले वीरेंद्र वर्मा ने विकलांग होते हुए भी साहस की मिसाल पेश की है, जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। वीरेंद्र वर्मा का एक सड़क दुर्घटना में दोनों हाथ जख्मी हो गए थे, जिसके बाद एक हाथ की हथेली काटनी पड़ी थी, जिसके बाद वीरेंद्र पूरी तरह से दिव्यांग हो गए थे। वहीं अब इत्यादि की खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और खेती के साथ साथ टाटा मैजिक गाड़ी भी चलाने लगे हैं। वीरेंद्र वर्मा क्षेत्रवासियों के लिए साहस की मिसाल बने हुए हैं। वीरेंद्र का कहना है कि जब दोनों हाथ खराब हो गए और उसके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हुई, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में उसने हिम्मत हारने की बजाय साहस को अपनाने का निर्णय लिया। गड़बड़ हो गई और बस में किसी कारणवश हादसा हो गया, तो उसके बाद यानी हाथ दब गया, तो उस हाथ को यानी दबने के कारण काटना पड़ गया, लेकिन वो लड़का अपना हिम्मत नहीं हारा और इलाज के में ठीक होने के बाद इस गांव में आ करके सबसे पहले उसने बोर कराया और बोर कराने के बाद पानी सफल हो गया, तो उसने अपना यानी जितना भी एरिया था उसमें फूल का खेती किया। फूल का खेती में भी उसने सफलता पाई। उसके बाद फिर साग भाजी अन्य प्रकार के साग भाजी का धंधा भी किया, उसमें भी उसने सफलता पाई। पहले बस चलाता था भैया, बस चलाते चलाते बस पलटी हो गया अभनपुर के पास। अब पलटी होने से मैं अपना आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार से एक गाड़ी लिया और एक गाड़ी चला रहा हूँ भैया अपन भरण पोषण करने के लिए। दोनों हाथ बस पलटी में कट गया। कितने वर्ष पहले की बात है ये? 2002 का है भैया, फरवरी महीने का। अभी आप पूरा गाड़ी चला लेते हैं? पूरा अभी पूरे अपने हाथ से गाड़ी चलाता हूँ मैं, टाटा म्यूजिक और चंपारण नया पारा राजीव मारंग ये सब चलता हूँ।